Hello students, welcome to the channel of Unacademy Bridge, myself Asif Mumtaz. आज आप देख सकते हैं, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ पीएच के बारे में यहाँ पर देखेंगे. क्या है कंसेप्ट आपका पीएच का? मैंने नोट्स वगैरह सब यहाँ पर लेके आया हूँ. ठीक है, इज आई एम ऑडिबल टू एवरी वन? लेट मी चेक वंस. ठीक है, मुझे एक बार देख लेने लीजिए. यस आई एम ऑडिबल. लेट शेयर द लिंक ऑन आर स्टेटस के और भी लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ पाए और अपने क्वेश्चन आंसर का फंडामेंटल को क्लियर कर पाए. सो लेट मी शेयर, और आप लोग भी जो प्रेजेंट है उसे जरूर शेयर करते हुए चलिए. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. अब हम लोग आज पीएच के बारे में बात कर रहे हैं. पीएच फंडामेंटल क्या है? आप देख सकते हैं मैं पूरा नोट्स लेके आया हूं यहां पे. ठीक है, पीएच फंडामेंटल हमारा क्या है? पीएच स्केल, पी स्टैंड फॉर पोटेंस. एच पोटेंस मतलब क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10. ये एक जर्मन वर्ड है. मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट ऑलरेडी पीएच के बारे में, एसिड बेसिस सॉल्ट यहां पर एक प्लेलिस्ट है, मैं इसी के लिए यहां पर आया हूं बताने के लिए. उस प्लेलिस्ट में मेरी पूरी की हुई है. ठीक है, आप चाहें तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, और आप स्पेशल क्लासेस जो अन अकेडमी का है वहां पर भी मैंने इसे डिटेल में पढ़ाया है. आज मैं ये लेके आया हूं कि अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इसमें बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रश अप. व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? देखिए, कभी भी आप देखिएगा, कोई भी ऐसा लैंड होता है या कोई भी ऐसा प्लांट होता है किसी भी जगह, हम लोग सॉइल टेस्टिंग करते हैं. तो सॉइल टेस्टिंग में क्या होता है, आपका पीएच निकाला जाता है. एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है? कि अगर अल्कलाइन है आपका तो मालूम है कि काफी अच्छा वो लैंड है, काफी आपका अच्छा फंडामेंटल होगा. तो ये सब एसिडिक अल्कलाइन निकालने का एक फंडामेंटल है ये. ठीक है, पीएच क्या है एक्चुअली? पी स्टैंड फॉर अ जर्मन वर्ड विच इज नोन एज पोटेंस. पोटेंस मतलब होता है माइनस लॉग बेस 10. ठीक है, पी जो यहाँ पर आपका स्टैंड कर रहा है वो क्या स्टैंड कर रहा है? माइनस लॉग बेस 10. तो अगर आप पीएच लिखने जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? पीएच माइनस लॉग बेस 10, एच स्टैंड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? एच प्लस क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस. कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, याद रखिएगा. इसका एक मोल पर लीटर को एक और नाम से जानते हैं मोलैरिटी, एक और नाम से जानते हैं एक्टिव मास. आगे आप लोग सभी चीजों को पढ़ेंगे. हाय प्रणव, व्हाट इज पीएच? आई हैव ऑलरेडी taught you just now. देखिए pH क्या है? pH एक स्केल है. ये एक स्केल है, जैसे स्केल हम लोग रूलर लेते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, या इंच टेप लेते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, इसी तरह किसी भी कंपाउंड का स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, या उस ये फाइंड करने के लिए कि वो एसिडिक है अल्कलाइन है, एक वैल्यू बनाया गया है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से. एक वैल्यू बनाई गई है, वो किससे बनाया गया है? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से बनाया गया है, और उसको एक स्केल के तरह वहां पर डिफाइन किया गया है. उसी स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल. जस्ट देखते जाइए ना, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, नो नीड टू वरी रिगार्डिंग दैट. ठीक है, क्या है एच प्लस? व्हाट इज एक्चुअली पीएच? हम इंडियन लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एच प्लस. इसके अंदर कितना ज्यादा एच प्लस है? जितना ज्यादा एच प्लस होगा एसिडिक होगा, जितना कम होगा बेसिक होगा. कैसे होगा मैं दिखाऊंगा आपको. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा. What is actually pH? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन. क्या है ये जो 0.1 मोलारिटी HCl है? HCl क्या है? HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड. अच्छे से समझिए, मोनोबेसिक एसिड में क्या होगा? एक एच प्लस होगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन एस सी एल का दिया है वही एच प्लस का भी है. मान लीजिए एस सी एल नहीं होके एच टू एस ओ फोर होता, लेट अस सपोज, और वहां पर मोलारिटी वही 0.1 दिया है, तो यहां पर एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ये डाइबेसिक है नेचर में, तो अगर ये 0.1 लीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो एच प्लस क्या होगा? 2 × 0.1. ये चीज को आप देखते हुए और समझते हुए चलो, कल एक बार देख लो. अगर किसी को कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क. ये डेट मैंने एक बार जब नोट्स बनाया था तब की डेट है, ये फिर से लिख देता हूं.
चलिए देख लीजिए एक बार नोट्स, ये क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। प्लीज लाइक द सेशन, सेशन लाइक करते हुए चलो दोस्तों। क्लियर एकदम? इसी तरह आप देखिए, अभी मैं बहुत कुछ आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, सब बस देखते जाइए। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। देखिए क्या होता है, अच्छे से देखिए, पहले इस चीज को समझिए। मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, किसी के ऊपर पीएच का सम होगा, बस समझते जाइए अच्छे से और देखते जाइए। डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, जो एक एच प्लस देता है। मान लीजिए आपका एस सी एल है, ये क्या देगा, एच एक वन एच प्लस एंड सी एल माइनस। मान लीजिए मोनोबेसिक एसिड भी 0.1 मोलारिटी का है, अच्छे से सुनते जाइए। डाइबेसिक एसिड भी 0.1 मोलारिटी का, मगर पीएच देखिए सबका अलग आएगा, मैं पूरा दिखा रहा हूं, ये भी 0.1 मोलारिटी का है। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, एस सी एल। एस सी एल में अगर ये 0.1 मोलारिटी आपका दिया है, तो H प्लस भी कितना होगा, 0.1 मोलारिटी, मोनोबेसिक है, देखते जाइए, बस इसको दिमाग में रखिए। आप बोलेगा नहीं सी एल भी 0.1 है, ये जितना ब्रेक करेगा उतना ये फॉर्म करेगा, हमें सिर्फ H प्लस से मतलब है और ज्यादा किसी से मतलब नहीं है, और ना हमें ज्यादा ब्रेन लगाना है। ये H प्लस क्या है, 0.1 मोलारिटी। अब हमें क्या फाइंड करना है, पीएच। व्हाट इज पीएच, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। H प्लस क्या है, 0.1। कैन बी राइट 0.1 एज 10 टू द पावर माइनस 1 मोलारिटी। व्हाई आई एम टेकिंग इन टर्म्स ऑफ 10, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू यूज द लॉग कैलकुलेशन बाय यूजिंग बेस 10। ओके नाउ क्या आएगा, ये आपका माइनस लॉग बेस 10, एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, 10 टू द पावर माइनस 1। वी विल यूज द लॉग प्रॉपर्टी, दिस इज माइनस, दिस माइनस विल कम हियर, लॉग 10 सीबीएसई में लॉग नहीं है, तो इसे सिर्फ एक बार देख लीजिए, आईसीएसई वाले लोग का है, जब भी बेस और ये सेम होगा 1 हो जाएगा, बस ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। ये आपका क्या आ गया, 1 into 1 is equal to 1। इसका पीएच कितना है, 1 है। अगर मोनोबेसिक एसिड में एक कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो उसका पीएच क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं देखता हूँ डाइबेसिक में अगर 0.1 लेते हैं, तो पीएच क्या आएगा, मोलारिटी। सो दिस विल बी 2 × 0.1 मोलारिटी। ठीक है, क्या होगा एच प्लस, हेलो 2 × 0.1। ठीक है, कितना विद द, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी, ये H प्लस हो गया, तो पीएच हमारा क्या होगा, माइनस लॉग, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, चलिए फिर से करते हैं। ठीक है, माइनस लॉग, बेस तो 10 है ये, 0.2। अब बोलिएगा सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0.2 को मैं हटा के यहां पर 2/10 कर सकता हूं, बिल्कुल। अब मैं लॉग प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, माइनस को रहने दीजिए यहां पे, ये क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर है कि फिर से बताओ, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये माइनस लॉग टू, और ये प्लस लॉग 10 10, कितना हो गया, 1 हो गया। 1 माइनस लॉग 2, लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है, याद रखिएगा 0.301, मुझे याद है आप भी याद रखिएगा, क्या आ जाएगा 0.699। क्या है पीएच इसका, इसका देखिए पीएच 1 था, मगर इसका पीएच क्या हो जा रहा है, 0.699, क्योंकि इसमें एच प्लस ज्यादा है ना, डाइबेसिक है,
ठीक है, देखते जाइए बस। उसके बाद मैं आपको अन अकेडमी का भी दिखाऊंगा किस तरह से वहां पर फंक्शन करते हैं सब कुछ। मैं लास्ट दो तीन क्लास से दिखा रहा हूं। अब आइए S3PO4, सेम फंडामेंटल, 3H+ PO4, 3- अगर ये 0.1 होगा तो ये क्या लेंगे, 0.1, 3 × 0.1 pH क्या होगा, डायरेक्ट लिखता हूं -log, 0.3 डायरेक्ट लिख लीजिए, निकालिए, वही प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आ गया। आप देख सकते हैं अन अकेडमी में भी मैंने फ्री क्लासेस बनाया है, ठीक है, आप जहां पर जाके ये प्रिविलेज ले सकते हैं। अन अकेडमी आप सीधा लॉग इन करो, ठीक है, आप ऐप में भी लॉग इन कर सकते हैं एज वेल एज आप लैपटॉप एंड कंप्यूटर में भी लिख सकते हैं। क्या सर्च कीजिए, सर्च बार में आसिफ मुमताज यहां क्लिक कीजिए। स्पेशल क्लासेस जो होती है यहाँ पे वो फ्री क्लासेस होते हैं। भाग्यश्री आप पीछे करके देख सकते हैं, मैंने एसिड बेसिस के बारे में, पीएच के बारे में पढ़ाया। देखिए कहीं पर कोई पीएच के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने लिया होगा पीएच के ऊपर, देखो आपको मिलेगा यहाँ पे पीएच के ऊपर मैंने एमसीक्यू भी लिया है एंड क्लास भी करा है, एसिड बेसिस सॉल्ट KBYP रैपिड फायर मेटल नॉन मेटल एसिड बेसिस सॉल्ट, देख सकते हैं पीएच की क्वेश्चन मिलेगी आपको, नॉमेनक्लेचर मोल कंसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर एटम मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेटल नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल बहुत है। देख रहे कितना मैंने फ्री क्लासेस किया है, टिप्स टू क्रैक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देख लीजिए, देखो पीएच के ऊपर डायरेक्ट नहीं है मगर आप एसिड बेसिस सॉल्ट में जाओगे आपको पीएच का मिल जाएगा। हाय पीयूष कुमार, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ये सब आप देख सकते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट जो मैंने वहां पर पीएच का भी पढ़ाया है, थोड़े देर में आपको दिखा रहा हूं किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। हेलो अतीफा, हेलो मुस्तफा, हाँ नॉट सुनता दोगे यू विल गेट साइड प्लस। देखिए काफी यहाँ पीएच के बारे में बताया गया, जो लोग लेट से आए हैं वो देख सकते हैं, मैंने अभी पूरा पीएच यहाँ पर एक्सप्लेन किया है किस तरह से, थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे पूरा पीएच क्वेश्चन आंसर किस तरह से आएंगे, रिलेशन क्या है पीएच एंड ओएच के बीच में, ठीक है, यही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप थोड़े देर इसको देखो और समझो ये पूरा प्रोसेस है आपका, जस्ट गिव मी, ठीक है। हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड कार्बोनिक एसिड इज व्हाट, दिस इज कार्बोनिक एसिड जो हम लोग जानते हैं एक वीक एसिड है, तो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक के बीच में जब भी रिएक्शन होगा तो जो भी कंपाउंड आएगा उसका नेचर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग का नेचर है Na2CO3 प्लस वाटर, हम लोग जानते हैं एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर देता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 सोडियम है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहां पे भी आप बैलेंस कर सकते हो, क्लियर है, इज इट ओके। तो स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ वीक एसिड जब भी रिएक्ट करता है क्या देता है, बेसिक सॉल्ट देता है, क्या देता है बेसिक सॉल्ट। सो मेरा यहां जो आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, हम लोग खोजते हैं कहां स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड कहां है, ऑप्शन नंबर, सर आई लव केमिस्ट्री, थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है। आंसर ये है, क्या फंडामेंटल है, देखिए इस फंडामेंटल को आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये फंडामेंटल हम लोग किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि हम इस चीज को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं सॉल्ट, सर माय आंसर इज राइट, यस सर, थैंक यू, स्टूडेंट लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो काफी अच्छा लगता है, ठीक है। हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में कर रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले स्टार्ट रखें, सबसे पहले आप जो पहला फंडामेंटल उसको याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, हम लोग एक एक क्वेश्चन पे उसका बेसिक क्लियर करते जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस, वेलकम निधि। ठीक है, हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इससे पहले हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर कर चुके हैं। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे इसके बारे में बताएंगे अभी, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो पूरा, जब भी वो डिसोशिएट होता है, जब भी इसको पानी में देते हैं तो वो मैक्सिमम आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, फुली डिसॉल्व हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस का भी वही कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो आप वाटर में दे रहे हो वो फुली डिसोशिएट हो रहा है तो वो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा नॉर्मल सॉल्ट देता है, इसके अंदर ना एसिडिक प्रॉपर्टी है और ना बेसिक प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मल सॉल्ट है जो आप एक न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है हमेशा क्या देता है, नॉर्मल सॉल्ट एंड साथ में वाटर देता है। आप बोलोगे सर एक एग्जाम्पल शो करो, एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग बेस जानते हो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, H2SO4, बहुत एग्जाम्पल है जो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वेलकम अरविंद। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या होगा यहाँ पे, ये Cl और ये Na मिलके क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। टेक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्लास करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या है, HCl, H2SO4, HNO3, जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वेलकम नीतू। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, जब भी उसको पानी में दे रहे हैं वो पूरा आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, एसिड का भी सेम फंडामेंटल है। अगर एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो मुझे जो सॉल्ट मिलेगा ना उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होगा ना उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। हाँ हेलो अरविंद। प्लस H2O, मुझे यूजर आपका नाम नहीं दिखा रहा है, यूजर दिखा रहा है। ठीक है, वाई मतलब क्यों वो पानी में ब्रेक करेगा, यही तो प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपके पास बहुत सा सैंपल एसिड का है, आप उसको वाटर में दे रहे हो, अगर वो फुली डिसोशिएट होता है मतलब टूट जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पार्शियली डिसोशिएट होता है तो वो वीक एसिड है, और अगर कोई डिसोशिएशन नहीं होता है तो मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। बेस के लिए भी सेम फंडामेंटल है, अगर आप उसको पानी में देते हैं अगर फुली डिसोशिएट पूरा टूट जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, पार्शियली टूटता है तो वीक बेस है, अगर कुछ नहीं होता है तो नाइदर वो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो वीक बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये क्या बन रहा है आपका, नॉर्मल सॉल्ट बना। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या फंडामेंटल होगा आपका, नॉर्मल सॉल्ट। मगर इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, ये क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, बिकॉज सोडियम कार्बोनेट आपको देखना होगा कि ये किस चीज से बना, पहला रेडिकल जो है सोडियम है, मतलब ये बेस यूज हुआ होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कार्बोनेट है, कार्बोनेट तो बहुत चीज का होता है, अगर एक बेस बन गया तो दूसरा आपको एसिड सोचना है जिसमें कार्बोनेट है। ठीक है, वो एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड है, विच इज अ वीक एसिड, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो रिजल्ट करेगा वो क्या करेगा, वो बेसिक कैरेक्टर को फर्निश करेगा, इसका मतलब ये जो सॉल्ट है क्या है, बेसिक है। तो ऑप्शन में आपका आंसर क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट इज अ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह हम लोग इस कंसेप्ट को भी पूरा डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन NTSC में आएगा, फाउंडेशन में आएगा, बोर्ड्स में आएगा, सब आपका क्लियर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सभी के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में आपका क्या फंडामेंटल होगा, उसी चीज को पहले हम लोगों को समझना है। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आपको पसंद है, HCl, आप HCl ले लो। आप बोलते नहीं सर आई लाइक H2SO4, आप H2SO4 ले लो, मैं सभी एग्जांपल को ले लूंगे। आप बोलेंगे नहीं सर स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 है, आप HNO3 को मान लो। ये तीन एग्जांपल हम यहां पर कर लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। अब वीक बेस ले लो, वीक बेस का एग्जांपल अभी याद रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इस कंपाउंड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप सभी से रिएक्ट करके चेक कर सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
यहाँ पर ये भी क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत से स्टूडेंट नहीं आए हैं, प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड और सभी लोगों को बोलिए ऑनलाइन आने के लिए, देखने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये और ये रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या होगा, NH4Cl। मैं शॉर्टकट भी दिखाऊंगा आपको, जो आप देख के पहचान जाओगे, आपको इतना कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, मगर मैं बेस क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। यहां पर दो हाइड्रोजन है मगर सल्फेट है, बैलेंसिंग हम लोग बाद में करेंगे, क्या बनेगा अमोनियम सल्फेट। मुझे मालूम है अमोनियम का वैलेंसी 1 है, आप मेरा स्पेशल क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो जो मैंने फॉर्मूला पे बताया है। तो क्या होगा, अमोनियम सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, आप बैलेंस भी कर सकते हैं यहां पर 2 देके। ठीक है, आप HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, NH4NO3 प्लस H2O। तो ये जितना भी आपका है, ठीक है, ये जितना भी है ऑल थ्री एक्चुअली में क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड Cl, मतलब ये HCl से बना है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है। अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है, ये नाइट्रिक एसिड से बना है। तो ये जितना भी सॉल्ट है ये क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो ये क्या होगा, एसिड सॉल्ट और एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक इन ठीक है नेचर, समझ में आ रहा है, मैं तो बोल भी रहा हूं। ठीक है, गिव वन मोर एग्जांपल, मैं अभी बहुत एग्जांपल आप लोगों को शो करूंगा। ठीक है, अब आता हूं नेक्स्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, अब आते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिखाया। पूजा जायसवाल, वेलकम पूजा, थैंक यू, और भी अपने फ्रेंड लोग को बोलिए, वो ऑनलाइन होंगे, देखेंगे किस तरह से यहां पर हम लोग एक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं वीक एसिड में, इसमें आ रहे हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फंडामेंटल क्या है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपका वीक एसिड का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, सॉरी है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, वीक एसिड का एग्जांपल क्या है, H2CO3 है, और वीक एसिड का एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड है। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग क्या ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। आप बोलते हैं नहीं सर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लो, चलो किसी एक एग्जांपल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले दे रहे, जो भी सॉल्ट बनेगा यहां पर उसका नेचर क्या होगा, अच्छे से देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, बेसिक आएगा। जो भी सॉल्ट होगा वो नेचर में क्या होगा, बेसिक सॉल्ट, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व किया है। पूजा इज इट ओके, अब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये Na2CO3 एक सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर। ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये H और ये OH मिलके क्या बनेगा, वाटर, और K यहां लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम एसिटेट। ठीक है, जो NTSC बोर्ड्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर में आ रहे हैं। NTSC नवंबर में, ऑल द बेस्ट। फाउंडेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में टाइम है, बोर्ड्स भी बहुत नजदीक है। ठीक है, फेब मार्च में स्टार्ट हो जाएगा सभी बोर्ड्स, मैक्सिमम मार्च में, मिनिमम फेब में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, काफी यूजर है जो राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, सभी जगह से हैं, प्लीज इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताइए, इस पैटर्न को समझिए, क्योंकि आप अगर इस पैटर्न को कर रहे हैं, अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं 1-to-1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कैन बी यूज अदर हाई एसिड सर फॉर रिएक्शन, हाई एसिड मतलब क्या, वॉट हाई एसिड, आई डिडंट गेट। ठीक है, तो ये जो नेचर बनेगा ये क्या नेचर बनेगा, ये जो भी सॉल्ट होगा ये क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। इज इट ओके, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एकदम क्लियर है, आ रहा एक बार सब, अगर क्लियर है तो यस करके एक बार एक्नॉलेज कर दीजिए कि फिर मैं आगे बढ़ूं। थैंक यू।
थैंक यू मुस्तफा, क्लियर है एकदम, आ रहा समझ में। अब हम लोग लास्ट में आते हैं जो वीक एसिड और वीक बेस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर से भी आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये आप जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो एक चीज को याद रखें, हम लोग किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, सोडियम कार्बोनेट क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है, हम लोगों को समझ में आ रहा है सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो उसी का हम लोग अब डिटेलिंग में कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आंसर आएगा तो हम लोग सभी को सॉल्व कर पाएंगे। एक मैंने इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके शो कर दिया है। अब हम लोग ठीक है, जो अभी आए हैं देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल रहेगा उनके पास। क्वेश्चन नंबर टू में आने से पहले जो इसका फोर्थ पार्ट है उसे हम पहले कंप्लीट कर देता हूं। फोर्थ पार्ट क्या है आपका? थैंक यू सर। फोर्थ पार्ट आपका क्या है? फोर्थ पार्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि वीक एसिड और वीक बेस का एग्जाम्पल क्या है। वीक एसिड का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? H2CO3। और भी कोई एग्जाम्पल याद है? वेरी गुड, एसिटिक एसिड। क्या है एसिटिक एसिड? CH3। बहुत एग्जाम्पल है, मगर जो ज्यादा जो क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है, मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। वीक बेस में हम लोग क्या ले सकते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मिक एसिड ले सकता हूं। आइए, फॉर्मिक एसिड पे भी एक काम कर लेते हैं। SCOOH फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? स्टिंग ऑन ऑफ एन एंट, ये सब क्वेश्चन आता है। फॉर्मिक एसिड किस जगह होता है? वो स्टिंग में होता है, डंक में होता है चींटी का। जब चींटी इंजेक्ट करते हैं तो वो जब वहां पे फूल जाता है तो वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है? नॉलेज के लिए दिमाग में कर लेते हैं। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? कार्बोनिक एसिड फॉर्मिक ये क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड क्या है? दिस इज एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एन एंट में होता है। कार्बोनिक एसिड एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बनता है, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को करते हैं तो हमें मालूम है क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। बस याद रखिएगा, सभी रेडिकल का वैलेंसी के थ्रू बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यस यूजर, आप बोलिए, एनी डाउट्स? ये अगर रिएक्ट करेगा अमोनियम एसिटेट बनाएगा। थैंक यू। ये अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो बोर्ड्स पे है वो प्लीज एक ही कलर का पेन यूज कीजिएगा, और NTSC वगैरह तो MCQ है। SCOONH4 ये कंपाउंड ज्यादातर अगर कोई पूछता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? वीक एसिड और वीक बेस आपका क्या रिजल्ट देगा? वीक एसिड और वीक बेस क्या रिजल्ट देगा? ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होता है आने का, मगर ये जो भी रिजल्ट देगा, ठीक है, ये आपका नाइदर एसिडिक होगा नॉर बेसिक होगा, न्यूट्रल भी नहीं होगा। ऑप्शन में आएगा कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक और नथिंग और न्यूट्रल, तो आप दीजिएगा नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। आई एम इन क्लास 8, कैन यू मेंशन योर नेम? क्लियर एकदम, आ रहा समझ में? फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं। क्या है? हाँ, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आसिफ मुमताज मेरा नाम है। ओके राहुल, वेलकम, ठीक है। आसिफ मुमताज, आप किसी भी अनअकैडमी के कोर्स में एनरोल कीजिएगा, या मेरा जो मैं NTSC एंड फाउंडेशन के सेक्शन में मिलूंगा। मेरा नाम आसिफ मुमताज है, एज वेल एज मेरा प्रोमो कोड भी आसिफ मुमताज है, रेफरल कोड जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्सेज में विदाउट एनी स्पेस है, ठीक है। जो अभी आए हैं वो देख सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हूं, फिर से अगर होगा तो उसके बारे में मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बताया है, ठीक है। क्या है एक्चुअली में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? आप देख सकते हैं कि ये सब कंपाउंड बन रहा है, मगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने अभी MCQ में आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एसिडिक है या बेसिक, कुछ भी मत करो, यहाँ पे बस वाटर दे दो, जिसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बना देगा? H2CO3, और दूसरा क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस अप कर लेना, तो ये क्या हो गया? बेसिक हो गया। मान लो आपको कोई अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल में दे देता है,
तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। इसका मतलब ये सॉल्ट क्या है नेचर में, एसिडिक और एसिड सॉल्ट इसका नेचर है। क्लियर एकदम? अगर क्लियर है तो एक बार एक्नॉलेज कर दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 में एंटर करूंगा। थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट को सर भी बोलता हूँ, ठीक है, इसीलिए कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। ओके, थैंक यू। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका मैं एक पोल कर रहा हूँ, साक्षी वेलकम। ठीक है, मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड किस में डिसॉल्व होता है? गोल्ड हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल है, मगर वो डिसॉल्व होता है एक्वा रेजिया। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई मुझे बता सकता है एक्वा रेजिया है क्या? बी नहीं, बी कहां है? बी में तो सल्फ्यूरिक एसिड है, रॉन्ग। कोई मुझे बता सकता है एक्वा रेजिया क्या है? डी। वेरी गुड मुस्तफा, वेरी गुड। थोड़ा मुस्तफा, आप थोड़ा मुझे एक्वा रेजिया का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या है? डी। गुड अरविंद, ठीक है, यहां पर ऑप्शन में क्लिक कीजिए। ठीक है, जिनको जो आंसर लग रहा है वो, आप क्वेश्चन भी अपना दे सकते हैं, मैंने क्वेश्चन भी ऑन करके रखा है। एक्वारेजिया इज NH3 एंड HCl। नो 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 नो, अमोनिया और HCl को एक्वारेजिया नहीं बोलते हैं। यहां पर आंसर आप याद रखो सबसे पहले एक्वारेजिया। यस साक्षी करेक्ट। रेशियो बता सकते हैं किस रेशियो में? इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल यूजर, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। HNO3+HCl, करेक्ट मुस्तफा, मगर मुझे रेशियो भी जानना है। क्वेश्चन रेशियो भी अभी आता है, मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं उसका पूरा एनालिसिस कर रहा हूं कि इस पे क्या क्या बेस्ट क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, 1:3। काफी आप मेहनत कर रहे हैं मुस्तफा, काफी आप पढ़ाई कर रहे हैं, गुड। ऐसे ही पढ़ते जाइए, डॉक्टर बन जाइएगा। सॉरी मैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भूल गया, कोई बात नहीं। एक्वारेजिया क्या होता है? यस वेलकम, HNO3+HCl किस रेशियो में होता है? ये 1:3 रेशियो, मतलब ये वन पार्ट होगा तो थ्री पार्ट क्या होगा? HCl होगा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या डिसॉल्व होता है? क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, मगर इसके अलावा भी थोड़ा याद रखिएगा क्या डिसॉल्व होता है। गोल्ड, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब डिसॉल्व होता है, नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस करता है डिसॉल्व करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आऊं, यूजर क्लियर है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम है, समझ में आ रहा है? क्लियर, क्लियर, ओके ओके सर, ओके थैंक यू। हाँ साक्षी, आपने करेक्ट आंसर दिया, 1:3। ठीक है, आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ऐसा डाउट है तो मुझे बोलिए, मैं फिर से डिस्कस करूंगा। कैन यू गिव मी योर नंबर? आप मेरा प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, उसमें काफी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जहां से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेलीग्राम ऐप है जो आप इंस्टॉल करके मुझसे बातें कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सर प्लीज टेक माई नेम। यस मुस्तफा असद, आई एम टेकिंग योर नेम थ्रू द पैटर्न विच आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आने से पहले, ठीक है, एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक पोल कर रहा हूं, उस पोल में आप लोग क्लिक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन NTSC वगैरह में आपको मिलेगा, बोर्ड्स वगैरह में भी मिलेगा। ठीक है, जो लोग बोर्ड्स के हैं उनका कुछ MCQ का भी क्वेश्चन रहता है, ICSE बोर्ड में, ठीक है, CBSE में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो मैं उसका थ्योरी भी बता रहा हूँ प्लस पैटर्न भी बता रहा हूँ, वो आप देखते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए, इसका मुझे एक आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है।
साक्षी डी, यहां पर भी आप लोग क्लिक कीजिए प्लीज। डी में कुछ ने किया है, कुछ ने ए में किया है, यूजर ने बी में किया है, बी यहां पर पोल में क्लिक कीजिए। चलिए अब टाइम ओवर हो गया, ठीक है, आंसर बी है। मुझे बोल सकते हैं आप यूजर की ये बी कैसे है आंसर? करेक्ट है आपकी आंसर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। साक्षी योर आंसर इज रॉन्ग, किरण योर आंसर इज करेक्ट बी। अब तो मैंने आंसर बता दिया है। आइए सबसे पहले हम लोग एक एक ऑप्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए, बिकॉज ऑल ऑफ द मेटल, ओके, ऑप्शन ए आपका क्या बोल रहा है? मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, मेटल कार्बोनेट। एक मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं। रिएक्ट विद एसिड क्या देगा ये? देखिए एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट क्या देगा? NaCl प्लस वाटर देना चाहिए, मगर साथ में कार्बोनेट है तो हम लोग हमेशा जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। अगर यही हाइड्रोक्साइड होता तो सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर देता, मगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दे रहा है, सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर सॉल्ट के साथ देगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑल मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल ऑक्साइड को ले लीजिए, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड को ले लेते हैं। अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव एल्केली विच इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल नेवर गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका कभी भी सॉल्ट एंड वाटर नहीं देगा, इस चीज को दिमाग में रखिए, कभी भी ये सॉल्ट एंड वाटर आपका नहीं देगा। तो मेरा ये ऑप्शन कैसे करेक्ट हो गया? बी हो गया। आप फिर भी सी भी देखना चाहते हैं, चलिए एक सी भी देख लेते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, किसी भी मेटल को ले लीजिए, मान लीजिए हम सोडियम पे ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आप पोटेशियम भी देख सकते हैं, एसिड में आप HCl ले लीजिए, क्या बन जाएगा? NaCl plus H, जिसको हम लोग हाफ एच टू लिख सकते हैं, बाद में टू से मल्टीप्लाई करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, क्लास 8 से देख रहे हैं, ठीक है। नंबर डी, सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वॉटर, किस नॉन मेटल ऑक्साइड को लोगे बोलो? NO2, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, किससे रिएक्ट कराना है? वाटर से, क्या मेरा बनेगा HNO2 या HNO3? सो मेरा इसमें से क्या फंडामेंटल जो वहां पर मैच नहीं कर रहा है? बी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बी इज नॉट करेक्ट। क्लियर है सबका? इज इट ओके? थैंक यू। यस या नो करके आंसर दीजिएगा। तो सब क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरह से हो रहा है ये? ठीक है, मैं ये आपको दिखा रहा था अनअकैडमी लर्नर ऐप, जो अपने मोबाइल में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप इसे लैपटॉप में अनअकैडमी.com जाके आसिफ मुमताज सर्च करके स्पेशल क्लासेस में भी देख सकते हैं। इसे थोड़ा पीछे कर लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर किस तरह से क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ और किस तरह से आप इसका हेल्प ले सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर ऐप में जो फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आप स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइंड करके पीछे से देख सकते हैं मैंने किस तरह यहाँ पे पढ़ाया है। सो जस्ट एक मिनट, मुझे डोर क्लोज करने दीजिए। थैंक यू एवरीवन। आइए, क्या डाउट्स है किनके, मुझे बताते चलिए, मैं उनका डाउट्स को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। सो आज हमने पीएच का कंसेप्ट क्लियर किया, काफी कुछ एसिड बेसिस का क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको दिखाया। सो इज एवरीथिंग इज फाइन टू यू ऑल? हेलो, जी बोलिए, कितने लोग प्रेजेंट हैं? लेट मी चेक। अंकुश, बोलिए अंकुश, और कितने लोग प्रेजेंट हैं? लेट मी चेक वंस। अंकुश ने पुराना आंसर बताया था, अभी कितने लोग हैं? थोड़ा सेशन को लाइक करते हुए चलो दोस्तों, अच्छा लगता है।
और अगर खराब लगता है तो डिसलाइक करने से पहले मुझे बताइए क्या आपको बताना होगा जिससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। सो प्लीज शेयर विथ मी। चलिए कितने लोग अभी लाइव हैं, अगर किसी की कुछ भी क्वेरीज है मैं उसी के लिए यहां पर हूं, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, फील फ्री टू आस्क। चलिए नो इट्स फाइन, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। सो अगर कोई डाउट्स नहीं है तो मैं क्लास ओवर करता हूँ। आप प्लीज इसे स्टार्टिंग से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पीएच के बारे में काफी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज एक बार रिवाइंड करके आप पीछे स्टार्टिंग से देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं जिनकी कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी डाउट्स को प्लेस कीजिए, ठीक है। मैं आपको जो भी लाइव क्लासेस होगी उसके बाद जब कमेंट आपकी आएगी तो जो भी लाइव क्लासेस होगा वहां पर आप इससे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। मैं मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी में 2:30 से लाइव आता था, मगर कमिंग ईयर और कमिंग मंथ जनवरी से मैं सुबह में 11:30 बजे लाइव आऊंगा, 11:30 इन द मॉर्निंग। तो 11:30 में आप आ सकते हैं मेरे पास लाइव क्लासेस के लिए, जो आपकी क्वेरीज हो आप बिल्कुल उसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टाइमिंग हमारा 2:30 से शिफ्ट होके कितने बजे हो रहा है बच्चों, 11:30 में मॉर्निंग AM, और ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपका डेली रहेगा 11:30 से। जितने देर आप लोग रहेंगे, जितने देर क्वेरीज आपको जानना है, जितने देर मैं हेल्प कर पाऊंगा मैं जरूर वहां पे आपकी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टिल देन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, ठीक है। थैंक यू। कल और परसों क्लास नहीं है, 31st and 1st को मेरा कोई भी क्लास नहीं है। सो All my Unacademy viewer, all my Unacademy, bye and take care. See you on next year on 2nd January. Till then, Happy New Year. Be safe. Corona का नया strain आया है जो India में भी पाया गया है. So भीड़ भाड़ से थोड़े दूर रहिए, mask लगा के रहिए and please sanitizer carry कीजिए. और किसी भी unknown जगह जा रहे हैं तो अपने आप को sanitize जरूर वहाँ पे कर लें, ठीक है। So till then, bye. Happy New Year, everyone. टेक केयर। देख लो किसी का कोई कमेंट है एक बार मोबाइल में, नहीं कमेंट नहीं है। और सेशन थोड़ा लाइक करते हुए चलिए दोस्तों, जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक करते हुए आप चलो। चलो टिल देन बाय, टेक केयर।